नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आपकी स्क्रीन पर चल रही वीडियो को गौर से देखिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फेफड़े की 3D इमेज है। बिल्कुल सही समझा आपने, लेकिन बात इतनी होती तो फिर खबर नहीं। खबर तो कोरोना वायरस की है और आपकी स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में दिख रहा फेफड़ा कोरोना वायरस से ग्रसित है। हम आपको कोरोना वायरस से ग्रसित हुए फेफड़े के बदलाव के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस फेफड़े का विश्लेषण कर दें जिस फेफड़े में कोरोना घर कर गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार रिसर्च में लगे हैं कि ये कैसे फैलता है और शरीर को कैसे प्रभावित करता है। वहीं चीन के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम से उनके फेफड़ों की स्थिति की 3D इमेज बनाई है। अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में 125 से ज्यादा देश आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 4000 से ज्यादा हो चुकी है। हर देश के डॉक्टर लगातार कोरोना वायरस से बचाव में लगे हुए हैं और चीन के डॉक्टरों की ये बड़ी सफलता है। रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका RSNA ने एक तस्वीर जारी की जिसमें फेफड़ों के CT स्कैन और एक्सरे से ये सामने आया कि संक्रमित मरीजों के फेफड़े चिकने और गाढ़ी बलगम से भर जाते हैं। इस कारण संक्रमित व्यक्ति की सांस घुटने लगती है क्योंकि फेफड़ों में हवा जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के CT स्कैन से उनके फेफड़ों में सफेद धब्बों का पता चला है, जिसे रेडियोलॉजिस्ट्स ने अपनी भाषा में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहा है। क्योंकि वे स्कैन की गई 3D तस्वीरों में खिड़कियों में लगे धब्बों जैसे दिखाई देते हैं। संक्रमित मरीजों के फेफड़ों के CT स्कैन से ऐसे लक्षण नजर आए हैं जो निमोनिया के होते हैं, लेकिन कोरोना के केस में ये कुछ ज्यादा ही गाढ़े हैं और फेफड़ों में हवा की जगह कुछ और ही भरा हुआ नजर आया। इस 3D इमेज से दुनिया भर के डॉक्टर एक्सरे और CT स्कैन से कोरोना से संक्रमित मरीजों की जल्दी पहचान कर पाएंगे जो गंभीर रूप से संक्रमित है, और उन्हें तुरंत आइसोलेट करने में आसानी होगी। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस अब तक 125 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं दुनिया भर में 4,660 से ज्यादा लोग मारे गए और 1,26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।